नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी राशि के बारे में। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरे 666 साल के बाद भगवान विष्णुदेव और भगवान भोलेनाथ ने आपका भाग्य बदल दिया है। जी दोस्तों, और वहीं क्या क्या परिणाम निकल कर आप सभी के जीवन काल में आएंगे, आखिर कौन से क्षेत्र में इस राशि वाले जातकों को सफलता मिलेगी, कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य आपको अब बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जिसे दोस्तों इस राशि वाले जातकों को बचना चाहिए, क्या क्या आपको सावधानी यश में आपको रखना चाहिए, दोस्तों इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना कीजिएगा और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये हम आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जीवन के वे सबसे बड़ी जानकारी देने वाले हैं, जिन्हें दोस्तों अगर आप जान लेंगे तो दोस्तों आपका आने वाला कल बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ होगा। जी दोस्तों, आपके जीवन काल में आगे ना बढ़ने की कौन सी गलतियाँ हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जय दोस्तों, और इसके साथ दोस्तों आप सभी के जीवन काल में ग्रहों की भी क्या स्थिति होगी, उनका प्रभाव भी क्या होगा, इन सभी की विस्तृत जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक समय निकालकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो बड़ी होगी लेकिन दोस्तों आने वाले आपके जीवन काल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखना आपका दायित्व होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो भी सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जय भोलेनाथ लिखेगा, गुरुजी का भगवान शनिदेव और भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखेगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस राशि वाले जातक पिछले कई वर्षों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों बात करें अगर 2021 की, तो दोस्तों 2021 के 5 से 6 महीना लगभग बहुत ही ज़्यादा खराब बीता है, परंतु दोस्तों 2021 आप सभी के लिए खुशियां लेकर बिल्कुल भी नहीं आया था, जिसे दोस्तों इस राशि वाले जातकों की आशाएं टूट चुकी है। इसलिए दोस्तों अभी ग्रहों की स्थिति आपकी जीवन काल में कैसी है, ग्रहों की परिस्थिति कैसी है, तो दोस्तों वे क्या संकेत दे रहे हैं, क्या होने वाला है इस राशि वाले जातकों के साथ, और दोस्तों वह कौन सी गलती है इस राशि वाले जातक जो कि लगातार करते आ रहे हैं। तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार अगर हम बात करें तो दोस्तों इस राशि वाले जातकों में सब्र की बहुत ही कमी पाई जा रही है। यानी कि दोस्तों इस राशि के अगर आप जातक हैं तो दोस्तों इस बात को आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, जी दोस्तों ये आपकी सच्चाई है, परंतु दोस्तों आपको बता दें हर क्षेत्र में बहुत ही जल्दीबाजी आपको रहती है। नौकरी व्यापार अगर आप कर रहे हैं, नई व्यापार आपने अगर शुरू किया है, तो दोस्तों आपको लगता है कि 2 दिन में ही करोड़पति बन जाएं। यानी कि दोस्तों जो भी आप कार्य करते हैं उनमें आपको लगता है कि 2-4 दिन में ही हमारा व्यापार निकल पड़े, लाभ हम उतना कमाएँ कि दोस्तों हम दूसरे को पीछा छोड़ दें। दोस्तों ऐसी भावना रखकर जीवन में आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों अगर आप ऐसी भावना रखते हैं तो दोस्तों अभी से ही अपने जीवन काल में आप इन्हें सुधार करें। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपने कोई व्यापार शुरू किया है या फिर नया नौकरी ज्वाइन की है, तो दोस्तों किसी भी प्रकार के बदलाव अपने जीवन काल में आपने किए हैं, तो दोस्तों थोड़ा सब्र के साथ आप कार्य करें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सब्र रखकर आप धीरे धीरे अपने जीवन काल में सोचते रहिए, आपकी जीवन की जो गाड़ी है वह ऊंचाइयों को छूने लगेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे बड़ी गलती पाई जाती है कि आप एक साथ बहुत ही दूर की सोच लेते हैं। दोस्तों आप बहुत बड़ा और बहुत ही कम समय में कुछ करने की प्रयास करने लगते हैं। दोस्तों ऐसा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्यों दोस्तों मेहनत में आप थोड़ी कमी रख रहे हैं। जी दोस्तों, ध्यान रखें कि छोटे से छोटे कार्य में अपना 100% दें, बहुत ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करें। उसी के साथ दोस्तों किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझें और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ आप कार्य करें, क्योंकि दोस्तों आपकी छोटी सी गलती, आपकी लापरवाही आपके दुश्मनों, आपके विरोधियों को बहुत ही बड़ा अवसर प्रदान कर देती है।
आपको नुकसान पहुंचाने का, आपको पीछे छोड़ने का। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, आप अपने विरोधियों को एक भी अवसर ना दें। दोस्तों आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप छोटा काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, दोस्तों उसमें आप मन लगा कर करें। आप में जितनी भी शक्ति है, जितना भी प्रयत्न आप कर सकते हैं, उसमें दोस्तों 100% योगदान देने का आप प्रयास करें। तो दोस्तों इस बात को सोच लें कि जो आप कर रहे हैं आपसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता, या फिर कोई किसी ने किया भी नहीं है। ये दोस्तों इसी सोच के साथ, अच्छे बुद्धि के साथ, संयम बनाकर अगर आप कार्य करेंगे तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इस राशि के जातकों की ग्रह दशा बता रही है कि दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको जो है मन के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों जो आपने लक्ष्य सोचे हैं वह बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं। आपके मेहनत का फल आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं और लक्ष्य आपके सामने बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। दोस्तों यश में अधिकतर समय व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में व्यतीत होगा। साथ ही दोस्तों सफलता मिलने से मानसिक शांति भी रहेगी। यश में जो समय होगा आपके लिए पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ और फलदायक साबित होंगे। दोस्तों किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी यश में रहेगा, जो कि आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे। वहीं दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक गतिविधि में स्वयं की कार्य क्षमता पर विश्वास रखना आवश्यक होगा। दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान आप कर सकते हैं। यश में आपको बता दें कि अपने नजदीक मित्रों व फिर संपर्क सूत्रों के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों हर किसी बात के बारे में बेवजह चिंता करने की वजह से हर बात में आपको यश में नकारात्मकता ही नजर आ रही है। यदि आप परिस्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं तो दोस्तों खुद के अंदर बदलाव लाना जरूरी होगा। एक जैसी जीवन शैली रखने की वजह से आपके अंदर उदासीनता पैदा हो रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखने के लिए आप अपना आत्म अवलोकन अवश्य करें। इससे दोस्तों आपके अंदर मानसिक शांति व फिर ऊर्जा का संचार होगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों दृढ़ निश्चय होकर काम करने से आपकी योजनाएं अवश्य सफल होंगी। साथ ही दोस्तों यश में दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता पर, आत्मबल पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। दोस्तों किसी भी प्रकार की यात्रा करने के लिए यह जो समय है आपके लिए उत्तम नहीं होंगे। दोस्तों यश में नई व्यक्ति से समस्या हो सकती है, साथ ही दोस्तों इनसे बचने की कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में परिवार के किसी युवा व्यक्ति की खास प्रगति होगी, जिनकी वजह से पूरे परिवार में समाधान प्राप्त होगा। यश में आपके खर्चे हो सकते हैं, लेकिन यह खर्च आपके मौज मस्ती पर होगा, इसलिए दोस्तों यश में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं। घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं। घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। दोस्तों दिन की कुछ समय परिवारों के साथ मनोरंजन व फिर स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में व्यतीत होगा। इसके बाद दोस्तों यश में किसी मुद्दे पर भाइयों के साथ वाद विवाद होने की आशंका लग रही है। दोस्तों यश में सावधानी और समझदारी से आपको काम लेना चाहिए, इससे आप परिस्थितियों को आसानी से संभाल भी पाएंगे। दोस्तों बेहतर होगा कि दूसरों के झमेलों में अपना हस्तक्षेप ना करें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपकी इच्छा शक्ति बढ़ने की वजह से काम में भी आपको यशमय प्रगति और गति दोनों नजर आने वाली है। दोस्तों आप अकेले ही काफ़ी बातों का सामना यशमय कर पाएंगे, जिनकी वजह से आपको मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है, लेकिन उन्हीं बातों को प्रगति की ओर बढ़ते हुए देखकर आपको समाधान भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यश में निवेश करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होगा। घर के बुजुर्गों का भी स्नेह और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। बच्चों को भी आपके मार्गदर्शन में कोई विशेष सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही दोस्तों यश में किसी समय आप आलस की वजह से कुछ काम नजरअंदाज ना करें। दोस्तों यश में इनकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। और दोस्तों यश में अपना आत्मविश्वास और फिर कार्य क्षमता को मजबूत बनाकर रखना आपके लिए अत्यावश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों परिस्थिति में बार बार बदलाव आने की वजह से निर्णय ले पाना या फिर किसी एक ही निर्णय पर टिके पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों व्यक्तिगत जीवन में आपको समाधान प्राप्त हो सकता है, लेकिन दोस्तों काम से जुड़ी परेशानियाँ भी यश में रहेंगी।
इसके उपरांत दोस्तों यशोमय, अगर आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशोमय काम से संबंधित जिम्मेदारी को किसी के साथ बांटना इसमें मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अभी कुछ वर्षों से आप लोगों में बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। आप लोगों ने मेहनत करना धीरे धीरे छोड़ दिए हैं जी दोस्तों, और यही बदलाव आपकी कमजोरी भी बन रही है, और यही बदलाव आपके दुश्मनों को भी नया रास्ता दे रही है आपको पीछे छोड़ने का। तो दोस्तों वर्तमान परिस्थितियों को आप सुधारें, अपने जीवन काल में जल्दबाजी ना करें, हर प्रकार के कार्यों में ध्यान लगाकर करें और मेहनत करने का पुनः प्रयास करें, कि दोस्तों बिना मेहनत से कोई भी सफलता आपके पास आने वाला नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि इन सभी को दूर करने के लिए अब महादेव और शनिदेव की पूजा आराधना जरूर करें। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी आप संकट में हो तो दोस्तों भगवान शनिदेव और महादेव को जरूर याद करें जी दोस्तों। यह बात अगर आपको यकीन ना हो तो दोस्तों एक बार आप जरूर आजमाइएगा। जब भी आप घोर संकट में हैं तो दोस्तों वर्ष में आप ईश्वर के स्मरण जरूर करें, भगवान शनिदेव महादेव की, तो दोस्तों वर्ष में आपको कोई ना कोई नया रास्ता जरूर मिलेगा जिससे आप दोस्तों मुसीबतों से बाहर हो जाएंगे।